पहली गेंद और यहाँ पर बढ़िया गेंद सम्मानजनक तरीके से खेला मिलेगा मात्र एक रन। अगले मरतबा इस गेंद और काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर इस्लामी बल्लेबाज लकी ने अगले मरतबा फिर से चले सुखरू अंपायर को पार किया और सीधे बल्ले से खेला और इस पारी का यह पहला छक्का राजेश के बल्ले से सुखवीर अगले मैच में फिर से चले अंपायर को पार किया काफी बढ़िया गेंद अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले सुखवीर अंपायर को किया पार सामने है राजेश और काफी बढ़िया गेंद वहां पर एक रन प्राप्त किया ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी करे बल्ले को हाथ करने का कोई मौका ना दे एक बार तो फिर से डिसाइड गेंद रनर का चांस ही बनता था। अगले मरतबा कन्हैया सामने लगी कड़क राकन जाते थे खिलाड़ी बॉल के नीचे लेकिन ताकत काफी शॉट पे मिलेंगे पूरे 4 रन बाजी के चौथा से आ करते थे काफी बड़ी टीम हुआ करती थी। अगली मरतबा लगी फिर से लंबा प्रहार प्राप्त करेंगे 6 रन काफी उम्दा प्लेयर अगली बार तो फिर से कनिहाल और रक्षात्मक तरीके से खेला मिलेगा 1 रन। दो मैचों में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं लकी अगली मैच का कनिहाल सामने राजेश नीचा रहता गेंद समझ नहीं पाए पांचवी मरतबा कनिहाल अंपायर को पार किया और काफी बढ़िया गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला लेकर चलेंगे कनिहाल सामने है लकी अंपायर को पार किया कड़ा प्रहार वहां पर सीधे बल्ले से 6 रन काफी खराब गेंदबाजी वन लेस लाइन शिमला की गेंदबाजों द्वारा दो ओवर की समाप्ति में स्कोर है 29 रन बिना किसी नुकसान के। बॉबी सामने राजेश काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर डॉट गेंद दूसरी मैच पर चले छोटा रन अंपायर को पार किया सामने राजेश खिलाड़ी बॉल के नीचे काफी बढ़िया कैच वहां पर पहले विकेट का पतन काफी खुश वन लेस डाउन के सभी खिलाड़ी अगले मैच को फिर से चले बॉबी फुल टॉस गेंद हवा में गेंद खिलाड़ी बॉल के नीचे वहां पर कैच था लपक नहीं पाए काफी शानदार गेंदबाजी वहां पर बॉबी द्वारा अगले मैच में चले अंपायर को पार किया काफी बढ़िया गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला अगले मैच में फिर से अंपायर को पार किया सामने लगी और काफी बढ़िया गेंद कोई भी मौका नहीं दे रहे अभी का मात्र 1 रन खर्च किया है अंतिम गेंद सामने लगी और कड़ा प्रहार वहां पर प्राप्त करेंगे 6 रन। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 36 रन एक विकेट के नुकसान को सुखवीर का दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया सामने की तरह काफी बढ़िया गेंद वहां पर रन आउट का चांस लेकिन बॉल को पकड़ नहीं पाए अच्छे तरीके से दूसरी मरतबा चले सुखवीर सामने है लकी लकी को ये गेंद और काफी बढ़िया गेंद अगली मरतबा फिर से दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया फुल टॉस गेंद कड़ा प्रहार प्राप्त करेंगे पूरे 6 रन दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया सामने है लकी और फुल टॉस गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला 2 रन नहीं काफी बढ़िया यह ओवर अभी तक घटता हुआ अगले मरतबा फिर से और रक्षात्मक तरीके से खेला मिलेगा 1 रन अंतिम मरतबा चले सुखवीर अंपायर को पार किया सामने की तरफ बड़ा प्रहार हवा में गेंद खिलाड़ी बॉल के नीचे पर खिलाड़ी से खासा दूर अंपायर कर रहे हैं 6 रन
चारों ओवरों की समाप्ति पे स्कोर जब पहुंचा 50 रन एक विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद बॉल के नीचे काफी बढ़िया कैच वहां पर। सामना करेंगे विकी की गेंदबाजी का। ये गेंद कड़ा प्रहार करना चाहा, गेंद हवा में, गेंदबाज बॉल के नीचे, बढ़िया कैच वहां पर विकी द्वारा। एक और विकेट का पतन और हैट्रिक पर होंगे विकी। अगले मतुआ चले और रक्षात्मक तरीके से खेला बेस फील्ड वहां पर, और दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकली। अगले मतुआ विकी फिर से सामने है प्रेम, और कोई जोखिम नहीं लिया, सम्मान दिया इस गेंद को। पांचवी मतुआ चलेंगे विकी, सामने है प्रेम, ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज। ये गेंद और काफी बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज की गेंद गई कहां, बल्ले से लगी कि नहीं। अंतिम मतुआ सामने है गीताराम, बढ़िया गेंद यहां पर, ओवर की समाप्ति। पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं, हवा में गेंद पर कैच के लिए नहीं गए विकी। अच्छा था कि दुनिया का वो था वह सितारा, लंबा प्रहार करना चाहते थे लेकिन चूके एक रन प्राप्त किया दूसरे को चलते, लेकिन हाना हाना। अगले मैच पर फिर से चले बॉबी, छोटा रन अब सामने है प्रेम, अंपायर को पार किया, काफी बढ़िया गेंद वहां पर, क्लीन होल्ड कर दिया प्रेम को, समझ नहीं पाए प्रेम, और मुश्किलें बढ़ती हुई वहां पर टीम इलेवन की। चौथी मरतबा चले बॉबी, अंपायर को पार किया, सामने है पुष्पराज, और वहां पर कड़ा प्रहार, दिशा से भट के बॉबी। आज के दिन का यह अंतिम मैच, और हवा में गेंद खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर, छठे ओवर की अंतिम गेंद, सामने है गीताराम, कड़ा प्रहार वहां पर गीताराम के बल्ले से, और काफी बड़ा यह ओवर बना दिया। छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 68 रन। पारी का सातवां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं बिन्नू, अंपायर को पार किया, फुल टॉस के अंदर काफी दूर प्रहार कर दिया है वहां पर पुष्पराज ने, काफी लंबा और काफी दूर प्रहार कर दिया, फिर से फुल टॉस गेंद थी लेकिन चूके। अगली मतवा पार को पार किया, काफी बढ़िया गेंद, क्लीन फोल्ड कर दिया वहां पर गीताराम को, समझ नहीं पाए। अगले मतवा सामने है मोहन, पार को पार किया, ये गेंद काफी बढ़िया गेंद, लंबी गोल की मांग लेकिन लेग स्टंप को मिस करती गेंद, एक रन आउट। अगले मतवा मनोज फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, सामने पुष्पराज, कड़ा प्रहार वहां पर, प्राप्त करेंगे चार रन मनोज की ओवर की। सामने है पुष्पराज, अंपायर को पार किया, कड़ा प्रहार वहां पर पुष्पराज के बल्ले से। ओवर की समाप्ति, सात ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 85 रन। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए विकी, हवा में गेंद, दो खिलाड़ी बॉल के नीचे, और काफी बढ़िया कैच वहां पर सुखवीर द्वारा। पुष्पराज विकी को आवश्यकता डॉट गेंद करे, पुष्पराज को तो पता है क्या करना है, चार रन। अगले मैच में फिर से चले विकी, अंपायर को पार किया, सामने है पुष्पराज, इंतजार किया गेंद का, कड़ा प्रहार, एक और छह रन, सामने पुष्पराज, ये गेंद अंपायर को पार किया, छोटा गेंद, इंतजार किया खिलाड़ी बॉल के पास, और अंपायर का डिसीजन दो रन। लाइन मैन से पूछते रहे अंपायर, अगले मैच में फिर से सामने पुष्पराज, लेना चाहते थे लेकिन मना किया। एक मतलब
फिर से कड़ा प्रहार कर दिया वहां पर पुष्पराज ने। 8 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 103 रन, 104 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी का भार संभालेंगे प्रेम, बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार। अंपायर ने दी अनुमति, पहली गेंद सामने अनुज लोर वन थी और कड़ा प्रहार वहां पर खिलाड़ी बॉल की जगह खिलाड़ी से खा लेते हैं। अंपायर का निर्णय 6 रन, लेकिन बल्लेबाज भी काफी चुस्त आ गए। अगली गेंद फिर से कड़ा प्रहार करना चाहते थे, रन आउट का चांस, लेकिन चूंकि अगले मैच में चले प्रेम, फिर से अंपायर को पार किया। काफी बढ़िया गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं। अगले मैच में प्रेम फिर से कड़ा प्रहार, खिलाड़ी से फिर दूर, अंपायर का निर्णय फिर से 6 रन। अगले मैच में फिर से चले, अंपायर को पार किया, फिर से स्लो रन डालना चाहते थे। खुशकिस्मत रहे कि पेड़ से बॉल लगी, अन्यथा 4 रन तो प्राप्त कर ही लेते। पहली मरतबा सामना करेंगे कनिहाल, प्रेम की तेज तरार गेंदबाजी का बच के रहना होगा इनकी स्लो रन से। हवा में गेंद गाड़ी से खासा दूर, पूरा किया आउट का चांस, लेकिन थ्रो थोड़ा सा लेट। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 15 रन। पहली गेंद अंपायर को फायर किया और काफी तेज गेंद, समझ नहीं पाए वहां पर। अगली मरतबा फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को फायर किया और वहां पर हवा में गेंद खिलाड़ी से दूर, चार प्राप्त करेंगे वहां पर अनु जीताराम। अगली मरतबा फिर से चले, अंपायर को किया फायर और नीचा रहता गेंद, सामना करेंगे गीताराम की गेंदबाजी का, रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं। अगली मैच को फिर से चले गीताराम और काफी तेज गेंद, बल्लेबाज को समझ ही नहीं आया कि किस गति से गेंद आई। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 22 रन और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं नीरज। काफी बढ़िया गेंद वहां पर, अगली मैच का फिर से चले नीरज, जोर वन अच्छे से समझ नहीं पाए, लकी बॉल के नीचे दूर, आसानी से रन की प्राप्ति। जिसे सही तरीके से पड़ा कनियाल ने प्राप्त करेंगे 6 रन। अगली मैच दूसरे नीरज अंपायर को पार किया सामने कनियाल, लेकिन समझ नहीं पाए। अगली मैच को फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, स्लोर वन थी, सही से खेल नहीं पाए, फिर भी प्राप्त करेंगे 2 रन। अंतिम मैच नीरज नीचा रहता गेंद, रक्षात्मक खेला, मिलेगा 1 रन। 3 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन। पुष्पराज सामने कनियाल, कड़ा प्रहार गेंद हवा में, खिलाड़ी से खासा दूर, अंपायर का निर्णय 6 रन। दूसरी गेंद लेकर चले पुष्पराज, अंपायर को क्या पार, ये गेंद फिर से कड़ा प्रहार, अंपायर का निर्णय ना बाकी 6 रन, झंडे के काफी अंदर से गया। अगली मरतबा फिर से चले, फिर से कड़ा प्रहार, लेकिन चूंकि एक रन पूरा किया, मिलेगा भी 1 रन। 3 गेंदों में 13 रन खर्च कर चुके हैं, तो फिर से चले और फिर से कड़ा प्रहार करना चाहते थे। अगली मरतबा फिर से चले कुछ किया तो पार के पार, बल्लेबाज समझ नहीं पाए की बोर्ड। अगले बल्लेबाज आए हैं बॉबी सामने पुष्पराज, ये गेंद कड़ा प्रहार वहां पर 6 रन। 4 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 53 रन। ये मेंटेनेंस भी करने को होती है। प्रेम चले अगली मरतबा सामने, बल्ले
Kaujung Kemarang Pusat di Prakti Wahab Bang. काफी अच्छे बल्लेबाज है कनिहाल और बॉबी करसोग के आंद्रे रसल के नाम से जाना जाता है। अगली मर्तबा चले और कड़ा प्रहार लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा, मिलेंगे मात्र दो रन, 22 गेंदे 45 रन। प्रेम अगली मर्तबा फिर से कड़ा प्रहार किया खिलाड़ी बॉल के नीचे पर खिलाड़ी से दूर, मिलेगा मात्र एक रन। फिर से चले सीधे बल्ला खेला, मिलेगा एक रन वहां पर हल्का सा मिस फील्ड। 20 गेंदे 43 रन सामने है कनियाल। प्रेम से लगली मतलब फिर से बड़ा प्रहार करते थे लेकिन चूके। अगली मतलब फिर से चले वहां पर बड़ा प्रहार लेकिन मिलेंगे मात्र दो रन, 41 रन। इस रन सामने है बॉबी, ये चले की तरह दो नंबर जर्सी पहने क्या तो खेला जरूरत कनिहाल को लंबे हिट्स की। अगली मर्तबा फिर से चले की तरह और प्रहार कर दिया है काफी दूर, प्राप्त करके पूरे 6 रन 122 रन उठाया छक्का। फिर से चले गीताराम अंपायर के पास, सामने कनिहाल लंबा हिट खेलना चाहते थे लेकिन चूके। 15 गेंदे 34 रन, एक तरफ युवा खिलाड़ी दूसरी तरफ एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ये गेंद और हल्का तो खेला कोई रन नहीं। गीताराम अगले बार को फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को बार किया था कनिहाल शिमला के सभी खिलाड़ी काफी खुश क्योंकि मैच बनता हुआ। अगली मंटो की तरह हाथों से लेकिन बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 77। चले सामने कनिहाल छोटा गेंद लेकिन चूके। 11 गेंदे 27 रन, नीरज अगली मतवा पार को पार किया, सामने कनिहाल वाइट खेलना चाहते थे लेकिन चूके। इस समय जरूरत उनकी टीम को, नीरज अगली मतवा और कड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन चूके, मिलेगा एक रन। सामने है कनिहाल, नीरज छोटा गेंद प्रहार तो कड़ा किया था लेकिन मिलेंगे दो रन। अगली मतवा चले नीरज कनिहाल सामने वहां पर खिलाड़ी से खासा दूर, अंपायर का दुर्गा 6 रन। सभी की सांसें रोक देने वाला यह मैच, अंतिम गेंद नीरज के ऊपर की और स्टंप आउट, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी कनिहाल को आगे बढ़ने की क्योंकि अगर डॉट भी चली जाती गेंद। सामने है बॉबी 6 गेंदे 17 रन, प्रेशर दोनों टीमों पर। पुष्पराज पहली गेंद, सामने है बॉबी गेंद लेकिन समझ नहीं पाए, 5 गेंदे 17 रन। बार को पार किया छोटा गेंद लेकिन चूके, अंपायर का निर्णय वाइड बॉल। अगली मर्तबा पुष्पराज अंपायर को पार किया, सामने है बॉबी कड़ा प्रहार लेकिन मिलेंगे 2 रन, 4 गेंदे 14 रन। सामने बॉबी, ये चले पुष्पराज अंपायर को पार किया, बड़ा प्रहार हवा में गेंद खिलाड़ी बॉल के नीचे, दो खिलाड़ी बॉल के नीचे लेकिन बढ़िया कैच वहां पर, एक मर्तबा छिटक गया था पर पकड़ लिया वहां पर कैच। अब ना विकेट गवाना होगा बॉबी को और अभी भी आवश्यकता 3 गेंदे 14 रन, 3 गेंदे 14 रन। पुष्पराज सलीम बार को पार किया लेकिन चूके, 14 रन हवा में गेंद खिलाड़ी बॉल के नीचे, सांसें रोक देने वाला यह मैच मिलन के पक्ष में क्योंकि असंभव एक गेंद में 13 रन बनाने पुष्पराज और मैच की हुई समाप्ति। काफी कड़ा यह मुकाबला,
जीता ड्रीम इलेवन ने, हालांकि सांसे रुक चुकी थी ड्रीम इलेवन की भी,